फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई अपनी फिल्म काली को लेकर विवादों में है। हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। हिंदू संत भी लीना के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इसी कड़ी में धर्मगुरु मिर्ची बाबा ने एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले फिल्म निर्माताओं के सिर काट देने चाहिए। काली फिल्म के पोस्टर में देवी काली के हाथ में सिगरेट और LGBT का झंडा दिखाया गया है। इसी को लेकर लोग और साधु संतों में गहरा आक्रोश है। इसी बीच श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज ने घोषणा की कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले फिल्म निर्माताओं का सिर काट कर लाने वाले को वो 20 लाख रुपये का इनाम देंगे। स्वामी वैराग्यानंद को मिर्ची बाबा के नाम से भी जाना जाता है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है, काली माँ के फोटो को जो आज बनाया गया है जिसमें माँ को कुछ अपमानित किया गया है, मैं बस इतनी चुनौती देना चाहता हूँ निरंजनी अखाड़े का महंत होने के नाते कि आज जो ऐसी पिक्चरें बनाई जा रही हैं, ये पिक्चर यानी कि काली बनाई गई है, एक सीरीज बनाई गई है आश्रम, इसमें हमारे धर्म का कुठाराघात किया जा रहा है। हिंदू धर्म के कुठाराघात को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आज भारतवर्ष में एक घोषणा करता हूं कि ऐसी पिक्चर बनाने वालों का सिर काट कर कोई लाता है तो 20 लाख रुपये मैं अपने आश्रम की तरफ से दूंगा, क्योंकि ये राक्षस बिना सिर काटे मानेंगे नहीं। इन राक्षसों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हमारे धर्म का कुठाराघात किया जा रहा है, इसलिए इनका सिर काट कर कोई भी लाता है तो मैं पंचायती निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर 20 लाख रुपये दूंगा, इनके सिर काटने पड़ेंगे, ये राक्षस हैं। मिर्ची बाबा ने कहा कि कानूनी कार्रवाई तो की जा रही है लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा। बोले, कार्रवाई की जा रही है, सभी जगह आवेदन दिए जा रहे हैं लेकिन कानून पूरी ताकत से काम कहाँ कर रहा है। कानून को पूरी ताकत से काम करना चाहिए और इन्हें सज़ा देनी चाहिए। अगर सज़ा नहीं देते हैं तो मैं फिर कह रहा हूं कि इनका सिर काट कर लाने वाले को 20 लाख रुपये मैं दूंगा, अपने आश्रम की पूरी संपदा दे दूंगा। इससे पहले अयोध्या में स्थित हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी फिल्म मेकर लीना को धमकी देते हुए सिर कलम करने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने की कड़ी निंदा की। आपको बता दें, लीना कनाडा में रहती हैं और सालों से फिल्म बना रही हैं। लीना ने सोशल मीडिया पर 2 जुलाई को इसका पोस्टर रिलीज किया था। पोस्टर सामने आने के बाद #arrestleenamanimeklai ट्रेंड करने लगा। विवाद बढ़ने के बाद कनाडा में भारतीय उच्च आयोग ने भी आपत्ति दर्ज कराई। भारत में इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। आपके लिए खबर लिखी हमारी साथी ज्योति ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौंका हल्का काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।